हर की पौड़ी के समीप ही पहाड़ी पर स्थित है माँ मनसा देवी का मंदिर। इस मंदिर के दिव्य दर्शन आपको हर की पौड़ी से भी सुलभ है। इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, ऐसे में भक्त माँ मनसा के सिवा अपनी मंशा कहाँ व्यक्त कर सकता है। मनसा देवी का धाम निराला है, सबसे आला निराली इसकी शान है। तो मेरी मनसा मैया सबसे महान है। मनसा देवी का धाम निराला है, सबसे आला निराली इसकी शान है। तो मेरी मनसा मैया सबसे महान है। माता मनसा दुर्गा माँ का ही एक रूप है। ये माँ भगवती का सिद्ध पीठ मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में जाने के लिए तीन मार्ग हैं। एक पैदल सीढ़ियों के रास्ते, दूसरा सड़क मार्ग तथा तीसरा है उड़न खटोला अर्थात ट्रॉली। पैदल यात्रियों के लिए गऊ घाट के निकट ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। दूसरा मार्ग जहां आपको तिपहिया वाहन की सुविधा भी मिल सकती है, जबकि तीसरे मार्ग उड़न खटोले के द्वारा मंदिर में जाना अत्यंत रोमांचकारी तथा अविस्मरणीय है। उड़न खटोले द्वारा यात्रा करते हुए आप इस पवित्र नगरी के ऊपर से विहंगम दृश्य का अद्भुत आनंद उठा सकते हैं। ये है श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। ये मंदिर फल मंडी चौराहे के समीप श्रवणनाथ मठ में स्थित है। इसका निर्माण विक्रम संवत 1876 में नेपाल नरेश द्वारा श्री लोधिराज श्रवणनाथ जी की प्रेरणा से हुआ था। ये पशुपतिनाथ महादेव की पंचमुखी मूर्ति है। इसकी पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इस मंदिर में 125,000 पंचमुखी रुद्राक्ष से बना हुआ छत्र चढ़ाया गया है। ये मंदिर अनुपम कला का संगम है, जिसे देख मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीम गौड़ा। कहा जाता है कि माता कुंती की प्यास बुझाने हेतु महाबली भीम ने इस स्थान पर घुटने की चोट से जल प्रवाहित किया था, इसीलिए इसका नाम भीम गौड़ा पड़ा। इस कुंड में गंगा जल आता है। भीम गौड़ा के रास्ते में पड़ता है प्राचीन महाकाली मंदिर। ये मंदिर ब्रिटिश शासन काल में तैयार किया गया था। इस मंदिर में स्थापित महाकाली की प्रतिमा अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। महाकाली महाकाली मैया तेरी सदा ही जय, काल कवाली तेरी सदा ही जय। पावन धाम, ये एक बहुत ही सुंदर शीश महल है। इसमें प्रवेश करते ही आप सर्वप्रथम श्री बालाजी हनुमान के दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रतिबिंब अपने चारों तरफ देखकर आप ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे।
अत्यंत सुंदर, शांत व मनोरम। इस स्थान पर यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था है। सर्वानंद घाट के समीप मुख्य सड़क मार्ग पर ये है स्वामी विवेकानंद पार्क और ये है शिवजी भगवान की विशाल प्रतिमा जो इसी पार्क में स्थित है। रात्रि में इस विशाल प्रतिमा का सौंदर्य देखते ही बनता है। भूपतवाला में स्थित ये है इंडिया टेम्पल। यहाँ की मनोहर झांकियाँ दर्शकों का मन मोह लेती हैं तथा एक विशेष कथा के द्वारा सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते। तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते। इसमें वामनावतार, भगीरथ की तपस्या तथा भगवान विष्णु का नरसिंह स्वरूप अत्यंत सुंदर है। सप्त सरोवर पर स्थित ये है भारत माता मंदिर। ये मंदिर 7 खंडों में विभाजित एक आधुनिक इमारत है जिसमें सबसे नीचे भारत माता तथा सबसे ऊपर भगवान शंकर विराजमान हैं। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की। इसके अतिरिक्त अन्य खंडों में भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश, माता दुर्गा, सरस्वती तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति अत्यंत सुंदर हैं। इसके ऊपरी खंड में जाने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। भारत माता मंदिर के निकट है स्फटिक मणि शिवलिंग। नटराज शिव के इस मंदिर के बाहर श्री सिद्धेश्वर महादेव का नटराज स्वरूप स्वयं ही आपका ध्यान आकर्षित करता है। ये है भूमा निकेतन, गंगा अवतरण की सुंदर प्रतिमा यहीं विराजमान है जो स्वयं ही पूरी कथा की ओर संकेत करती है। ये है स्फटिक द्वादश ज्योतिर्लिंग। इसकी अखंड ज्योति में तिल का तेल डाला जाता है। यहीं पर भगवान 108 शालिग्राम जी का पवित्र दर्शन सुलभ है। लाल माता मंदिर, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसके बाहर बनी सारथी बने श्री कृष्ण भगवान और नाव में बैठे श्री राम लक्ष्मण व सीता जी की प्रतिमाएं कला का अनुपम नमूना पेश करती है। इसके अतिरिक्त श्री बालाजी हनुमान व श्री गणेश की मूर्तियां भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ की कृत्रिम गुफाएं आकर्षक हैं। इनमें प्रवेश करने के बाद आपको माता वैष्णो देवी के प्रतिरूपों का दर्शन अत्यंत सुकून प्रदान करेगा। यहाँ विराजमान भगवान गोविंद, भगवान जगन्नाथ व भगवान शिव की अन्य मूर्तियाँ
अत्यंत सुंदर हैं। शिवानंद धाम, यहाँ पर भी अनेक कलाकृतियाँ आपको आकर्षित करती हैं। इसमें प्रवेश करते ही समुद्र मंथन की अद्भुत और विशाल कलाकृति का अवलोकन होता है। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओ भक्ता रे, हरिद्वार जो आए वो भव से तर जाए। गायत्री तीर्थ शांति कुंज। हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाते समय रास्ते में आने वाला ये स्थान विशेष दर्शनीय है। लोक ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित ये संस्था जन जन को एकता तथा सात्विकता का संदेश देती है। ये स्थान देवभूमि में आए तीर्थयात्रियों को असीम शांति प्रदान करता है। इस संस्था द्वारा समय समय पर गंगा नदी की सफाई का पुण्य कार्य भी किया जाता है। अब हमारी यात्रा श्री बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। हरे भरे वन एवं पर्वत के बीच बसा है ये प्राचीन मंदिर। यहीं पर पार्वती माता ने एक बेल पत्र खाकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। बेलपत्र को शिव रूप माना जाता है। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बेल वृक्ष से प्रकट हुए और उन्हें विवाह का वरदान दिया। तभी से इसका नाम बिल्वकेश्वर महादेव पड़ गया। इसी मंदिर के समीप है प्राचीन गौरी कुंड, जिसका दर्शन मात्र ही सुखकारी है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के बाईं ओर ही संतोषी माता का मंदिर स्थित है। ये मंदिर भी अत्यंत प्राचीन व महत्वपूर्ण है। ये मंदिर लाल माता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में माता के दर्शन व पूजा अर्चना मंगलकारी है।